कपड़े, कपड़ों का आविष्कार इसलिए किया गया था ताकि इंसान अपने नंगे शरीर को ढक पाए, परंतु इंसान इंसान वो चीज है जिसको हाथ पकड़ा हो तो सर पर चढ़ता है और सर पे चढ़ के मूंद देता है। पर यहाँ फैशन फैशन करते हुए इंसान ने सिर्फ मूंदा नहीं बल्कि भारी मात्रा में हग भी दिया। पहले इनकी चड्डी को आधे नजारे दिखते थे, फिर उसको पूरे दिखने लग गए और फिर चड्डी के सामने अंधेरा छा गया, या शायद इन लोगों ने चड्डी पहनना ही छोड़ दिया। कुछ कुछ लोगों का तो इतना ज्यादा नीचे होता है कि समझ ही नहीं आता कि पैंट पहना है या चड्डा, हगने के लिए उतारना भी नहीं पड़ता होगा। यहाँ पर आकर मानव जाति ने सोचा कि फैशन के नाम पे इससे ज्यादा क्या ही खिलवाड़ हो सकता है, तभी पैदा हुई उर्फी जावेद, फैशन की इंडस्ट्री की वो खिलाड़ी जिसने खेल ही बदल दिया। क्योंकि उर्फी जावेद कपड़ों के लगाती हैं रस्ते और इनकी हरकतों पे कपड़े भी हैं हंसते। बाय द वे, हंसने से याद आया, अगर कभी मेरी किसी वीडियो ने आपको हंसाया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि चैनल रिसेंटली हैक हुआ था, रीच बहुत बुरी है, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज। हाँ, तो उर्फी दीदी जब बेल्ट के फैशन में घुसी तो उन्होंने बेल्ट को नीचे से ऊपर तो किया पर इतना ऊपर कर दिया कि बेल्ट ने अपना इस्तेमाल ही खो दिया। ये तो टट्टी है। बेल्ट भी सोचता होगा कि इनकी सारी इज्जत की जिम्मेदारी मेरे ही सर पे आ जाती है, ये नहीं कपड़ा थोड़ा टाइट पहन ले। और इस ड्रेस में सिर्फ बेल्ट के साथ ही दुर्व्यवहार नहीं हुआ, दीदी ने जेब को भी ऊपर से नीचे कर दिया, सैंडल में पॉकेट थी दीदी। मेरी लिबड़ी स्टिक कहाँ गई है, तो मैंने पैर में छुपाई थी, मुंह पे लगा लूंगी। दीदी थाम्बा थाम्बा, मैं तो कहता हूँ एक आध सर्जरी करवा के दिमाग को भी नई जगह पे लगवा दो, घुटनों में। ओ सॉरी, वो तो ऑलरेडी वही है। तेरे पास तो है भी नहीं। क्योंकि तू जो खा गया पूरा। और दीदी का कहना है कि लोग उनसे बार बार पूछते हैं कि आप रोज एयरपोर्ट क्यों जाती हो। मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं हंसूं खेलूं, बाहर जाऊं अकेली जाऊं किसी और के साथ जाऊं, जहां जाऊं जब जाऊं जैसे भी जाऊं, आपको क्या? अरे दीदी एयरपोर्ट छोड़ो, मेरी तरफ से आप मेंटल हॉस्पिटल जाओ, मेरे को क्या, मैं तो आपकी भलाई का सोच रहा था। पर अगर इनसे बच्चे इन्फ्लुएंस होगा तो मैं तो सोचता हूँ अच्छा लगेगा, मेरे पड़ोस का मुन्ना उस पन्नी को छाती पे लगा के घूम रहा है जिसको उसको 2 साल पहले कचरे में फेंक देना चाहिए था, वो भी गुलाम भी पन्नी। अरे कचरा नहीं मिला, फोटो मैडम फोटो। मैंने आप लोगों को देखा ही नहीं, ये देखो मेरी नई ड्रेस। अरे मैडम ये तो कचरे जैसी दिख रही है, गुलाम भी कचरा। शट अप यू इलिटरेट ढिंग पुंग जीजे चिंगू। अरे भोली दीदी, कचरा काला हो या गुलाम भी रहता कचरा ही है, और सरकार बेचारी बोल बोल के परेशान हो गई है कि पन्नी मत यूज करो, पन्नी मत यूज करो, कागज यूज कर लो। पर हमारी दीदी, उन्होंने कपड़े छोड़ के पन्नी यूज कर ली। बेचारे ये नॉर्मल कपड़ों में क्या दिक्कत है दीदी, जो भूखे जानवर की तरह पन्नियों में मुंह मार रही हो। देखो इन्हें ये हैं ओस की बूंदे। नॉर्मल आदमी जब वायर में उलझता है तो उसको काट के खुद को बाहर निकाल लेता है, पहली बात नॉर्मल आदमी वायर में उलझता ही नहीं है। पर उर्फी दीदी वो नॉर्मल इंसान थोड़ा ना है, ना नक्को बिल्कुल नहीं, तो वो वायरों में उलझ गई। क्या कर रही थी दीदी, वायरों के साथ पूरी खेल रही थी। वैसे वायर से ज्यादा तो दीदी का दिमाग उलझा हुआ है, और यहाँ वायर और दीदी के उलझने में नुकसान दीदी का नहीं हुआ, वायर का हुआ है, ये देखो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चीज किस इस्तेमाल के लिए बनी थी, अगर उसको उर्फी लपेट सकती है तो वो उसको लपेट लेगी। और प्लीज मैं विनती करना चाहूंगा कि इस वायर में कोई करंट ना छोड़ देना, ऑलरेडी दीदी का दिमाग बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, और ज्यादा उलझ गया तो दिक्कत हो जाएगी। यू पागल मी पागल। और इस वायर में फंसी हुई नीली फापड़ी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि दीदी ये पहन तो लिया है पर इस वायरों के मकड़ जाल से बाहर कैसे आओगी, हाउ? उर्फी जी रुकिए तो सही। नॉर्मल लड़कियां जब चलती है तो उनकी पायल की आवाज छन छन करती है, पर जब उर्फी दीदी चलती है तो उनके 3 कपड़ के कपड़े आपस में भड़बड़ भड़बड़ करते हैं, और कभी कभी तो वो ऐसे कांच के कपड़े पहन लेती है कि आपस में चकड़ चकड़ की आवाज आ रही होती है। चकड़ चकड़ 20 किलो उठाया दीदी, इतना इतना ओवरलोड तो लेके हमारा कबाड़े वाला नहीं घूमता दीदी जितना तुम लेके घूम रही हो। ये 20 किलो कांच उठा के दीदी गलती से किसी को हग मत कर लेना, वरना वो बेचारा ऐसा खूनी मिलन महसूस करेगा जो उसने जिंदगी में कभी नहीं किया होगा। और एक वो बसंती थी जो कांच के ऊपर नाची थी, और एक ये चवन्नी है जो कांच पहन के नाचेगी, फर्क बस इतना होगा कि वो वीरू के लिए नाची थी, ये व्यूज के लिए नाचेगी। अरे रे रे दीदी, इसको पहन के बैठने में कितनी दिक्कत होगी, मान लो एक आध कांच खड़ा रह गया उसके ऊपर बैठ गई तो चूल्हे का कूला बन जाएगा 2 मिनट में, 2 मिनट की मैगी बाद में बनेगी, तुम्हारा रेड वेलवेट केक पहले बन जाएगा। अरे वाह दीदी, चलता फिरता लच्छा पराठा लग रही हो, और तुम्हारे लच्छे की रस्सियां मुझे झूले की याद दिला रही हैं। एक तरफ हम आलसी लोग हैं जो चाहते हैं हमें हर जगह लोअर टी शर्ट पहनने की आजादी मिले, शादी पार्टियों में भी बढ़िया कंफर्ट में घूम पाए हम अपने, और एक तरफ उर्फी दीदी हैं अपनी नॉर्मल जिंदगी में भी बेचारी है चिंदी बोटियों में अटकी रहती है। वैसे दीदी आपने जो सतरंगी मकड़ जाल पहन रखा है इससे हमारे गाँव में गाय भैंसे बांधी जाती है, वो भी बेचारी देखेंगी तो सोचेंगी अगर आजादी मिलने के बाद हमारे गले की रस्सियों को ऐसे लपेट के घूमना है तो मालिक हम बंदे ही अच्छे, और जोर से बांधो मालिक।
फूल में बिल्कुल भी कूल नहीं लग रही हो। सही बताऊं तो ऐसा लग रहा है गेंदे का फूल पानी में डुबकी मारने निकला है। बुड़ुक। मेरा मोबाइल अगर चलाते चलाते मेरे मुंह पे भी गिर जाता है ना, तो पहले मैं मोबाइल चेक करता हूँ, बाद में अपना मुंह देखता हूँ कि जिंदा है कि गया। और उर्फी दीदी के मोबाइल के टूटने के बाद ये एक्सप्रेशन होते हैं। पर उर्फी दीदी की जिंदगी इतनी ज्यादा आसान भी नहीं है। उन्हें अपने शौक की जिंदगी जीने के लिए एक कीमत अदा करनी पड़ती है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि लैब्राडोर के गले की चेन दीदी अपने गले में साकलों जैसी दिखने वाली लपेट के घूम रही थी, सड़कों पे गेड़ियां मार रही थी। तब सबको सिर्फ किसी कुत्ते के गले से चुराई हुई साकल या किसी साइकिल से चुराई हुई चेन नजर आ रही होगी, पर उर्फी दीदी ने जो उस वक्त झेला था वो उन सबसे ज्यादा डरावना था। ये उर्फी के गले में निशान है जो कि पड़े उस चेन को लंबे समय तक अपने गले में पहनने से, जो कि इंस्टाग्राम पे उर्फी ने खुद शेयर किया है। हर चीज जब तक हद में रहे तब तक ही अच्छी रहती है। किसी भी इंसान को फेम, पैसा और इन सब चीजों के पीछे इतना पागल नहीं हो जाना चाहिए कि वो अपने शरीर की ही इज्जत ना करे। शरीर की इज्जत करना पहली चीज होती है। इंसान अगर हेल्दी रहेगा तो ही कुछ कर पाएगा। ऐसे गले में निशान पड़ रहे हैं, इतनी दिक्कतें आ रही हैं, उसके बाद भी अगर आपको अपना फैशन फॉलो करना पड़ रहा है तो कोई मतलब नहीं है। और दीदी मजाक से हटके वो जो आपकी कांच की ड्रेस थी वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। आपको तो आपको किसी और को भी चोट पहुंच सकती है। ये तो अलाउ भी नहीं करना चाहिए सरकार को कि ऐसी ड्रेस पहन सके कोई मॉडिफाई करके। ऐसे फैशन से सिर्फ शारीरिक दिक्कतें हो सकती हैं, पर एक फैशन ऐसा भी है जिससे मानसिक पीड़ा भी हो सकती है। हर चीज का एक यूज है, पर उस यूज को करने के लिए इंसान को अपना दिमाग यूज करना पड़ता है। उसी प्रकार दीदी के चड्डे में इस बटन की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यूज है जो कि दीदी नहीं कर रही है। और दीदी तो दीदी, दीदी के इन्फ्लुएंस में शोकिया दीदी भी यही सब कर रही है। हाँ हाँ, सोफिया शोकिया एक ही बात है। दीदी अभी भी टाइम है, बटन लगा लो। अगर चड्डे को गुस्सा आ गई तो गिर जाएगा और कच्ची दिख जाएगी। सॉरी सॉरी, वो तो ऑलरेडी दिख रही है। क्या हो गया है जमाने को, इन चीजों को पहले छुपाया जाता था अब दिखाया जाता है। अरे गलती से खुली रह गई होगी बेचारी की। क्या ये गलती है? ना नक्को, बिल्कुल नहीं। अरे शोकिया दीदी, इंटरनेट बच्चे भी चलाते हैं, अगर ये सब देखेंगे तो क्या ही असर पड़ेगा। वैसे भी बच्चे बड़ी मुश्किल से कपड़े पहनते हैं, मम्मियां उनकी बेचारी पीछे पीछे भगती रहती हैं। अब तुम्हारी ये वीडियो देख के इन्फ्लुएंस होकर बटन नहीं लगाएंगे, फिर कहेंगे हम भी नहीं लगाएंगे, शोकिया दीदी भी नहीं लगाती। चलते रोड पे बेचारों का चड्डा गिरेगा। तुम्हारी तो इज्जत तुम देख नहीं रही हो, उनकी बच जान दो। तो प्लीज इनसे कोई इंस्पायर ना हो और अपने चड्डे की बटन बढ़िया तरीके से लगाएं, क्योंकि ये सब तो हरकतें सिर्फ इंटरनेट पे करती है। तुम असली दुनिया में करोगे इंस्पायर होकर तो बहुत बेइज्जती होगी। और करने की चीज जो है वो कर दो। वीडियो को लाइक कर दें अगर पसंद आई हो, चैनल सब्सक्राइब कर दें, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करें और मुझे बताएं आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, मैं बिल्कुल बनाऊंगा। अभी मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज जितना हो सके वीडियो पे एंगेज करें, कमेंट लाइक सब्सक्राइब सब कर दें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। बड़े दिन बाद बोल रहा हूँ, प्लीज कर लो, धन्यवाद। अरे मम्मी मेरी पैंट में जो बटन टूट गई है वो मत लगाना। अरे फैशन है क्या, मतलब मुझे डिसोन कर रही हो? आंखें बंद करता पर रुकते नहीं था, यादों की नमी में भीगा के चौक में लिखता हूँ बातें की हल्का हूँ बोझ, कोई दोस्त मेरा टूटे तो